नीति वचन अध्याय 23। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचन को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उसका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उसका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में ढा न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने में ना होना, ना मांस के खाने वाले की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्मे वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मग्न होता है, और बुद्धिमान का जमने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मग्न हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वैश्या गहरे गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है, और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती करा देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? किसके अकारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है तब कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मैतूल के सिरे पर सोने के समान रहेगा,
तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना हुई, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा।